स्टूडेंट, दिस इज योर कंप्यूटर टीचर फरहत नाज हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वॉचिंग माई वीडियो सिंसियरली। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क डेटा मॉडल। लिसन स्टूडेंट्स, द नेटवर्क डेटा मॉडल इज पावरफुल बट कॉम्प्लिकेटेड। ए नेटवर्क डेटाबेस is a collection of nodes and links such that any node can be linked to any other perhaps multiple times. The link form thread by which you can quickly answer any query. The network data model looks very much similar to tree's structure, except that a dependent node called a child may have more than one parent nodes. The main disadvantage of network model is complexity. Listen, student. Network data model. The network data model is powerful but complicated. A network database is a collection of nodes and links such that any node can be linked to any other perhaps multiple times. The links from thread by which you can quickly answer any query. The network data model looks very much similar to tree structure, except that it depends nodes called a child may have more than one parent node. The main disadvantages of network model is its complexity. इसको स्टूडेंट हम समझते हैं कि नेटवर्क डेटा मॉडल्स क्या है। लिसन स्टूडेंट, नेटवर्क डेटा मॉडल पावरफुल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। नेटवर्क डेटा बेस एक कलेक्शन है नोड्स और लिंक्ड, जैसे कि कोई भी नोड लिंक हो सकता है कोई भी दूसरे से मल्टीपल टाइप्स। ये सारे लिंक्स थ्रेड बनाते हैं जिससे कि आप कोई भी क्यूरीज बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है ट्रीज स्ट्रक्चर से, डिपेंड नोड्स को छोड़ करके उससे कहते हैं चाइल्ड के पास एक से ज़्यादा पेरेंट्स हैं। नेटवर्क मॉडल मेन डिसएडवांटेजेस है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी। समझिए स्टूडेंट्स, नेटवर्क डेटा मॉडल्स पावरफुल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। नेटवर्क डेटा बेस एक कलेक्शन है नोड्स और लिंक्ड, जैसे कि कोई भी नोड लिंक हो सकता है कोई भी दूसरे से मल्टीपल टाइप्स। ये सारे थ्रेड लिंक्स बनाते हैं जिससे कि आप कोई भी क्यूरी बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है ट्रीज स्ट्रक्चर से, डिपेंड नोड्स को छोड़ के उसे कहते हैं एक चाइल्ड के पास एक से ज़्यादा पेरेंट है। नेटवर्क मॉडल है मेन डिसएडवांटेजेस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। आगे समझिए स्टूडेंट, कीज एवरी टेबल नेचुरली इंक्लूड वन और मोर फील्ड दैट कंपोज ए प्राइमरी की दैट डिफरेंट और वन रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल अदर बिकॉज टेबल्स आर सेट मैथमेटिकली आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स आर नॉट परमिटेड। हाउएवर द फॉक्सफ्रो लैंग्वेज इज मोर परमिसिव ऑल्दो इट्स ए बैड प्रैक्टिस। सम डेटाबेस आर डिजाइन so that returned records are count to determine a quality.
A table can have more than one possible primary key. Listen, student, keys. Every table naturally include one or more fields that compose a primary key that differentiate one records from all other because tables are sets mathematically identical records are not permitted. However, the Foxborough language is more permissive, although it's a bad practice. Some databases are designed so that redundant records are count to determine a quality. A table can have more than one possible प्राइमरी की. लिसन स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं कि कीज क्या है. समझिए स्टूडेंट्स, हर टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड रहते हैं जो कि कंपोज करते हैं एक प्राइमरी की को. डिफरेंशिएट करता है एक रिकॉर्ड्स को सारे अदर से, क्योंकि टेबल सेट मैथमेटिकली आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स परमिट नहीं है. हाउएवर, फॉक्सब्रो लैंग्वेज ज़्यादा परमिसिव है, जानते हुए एक बैड प्रैक्टिस है. कुछ डेटाबेस डिज़ाइन होते हैं जिससे रिडंडेंट रिकॉर्ड्स काउंट होते हैं उसके क्वालिटी को देखने के लिए. एक टेबल में एक या उससे ज़्यादा प्राइमरी की हो सकते हैं. समझते हैं स्टूडेंट्स, कीज. हर टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड्स रहते हैं जो कि कंपोज करते हैं एक प्राइमरी की को. डिफरेंशिएट करता है एक रिकॉर्ड्स को सारे अदर से, क्योंकि टेबल सेट एक मैथमेटिकली आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स परमिट नहीं है. हाउएवर, फॉक्सब्रो लैंग्वेज ज़्यादा परमिसिव है, जानते हुए एक बैड प्रैक्टिस है. कुछ डेटाबेस डिज़ाइन होते हैं जिससे रिडंडेंट रिकॉर्ड्स काउंट होते हैं उसके क्वालिटी को देखने के लिए. एक टेबल में एक या उससे ज़्यादा प्राइमरी की होते हैं. आगे लिसन स्टूडेंट, रिलेशनल अलजेब्रा इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन एग्जिस्टिंग रिलेशन टू प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट्स. रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. ए रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिक सेट ऑपरेशंस एंड relational oriented operations such as selection, projection and join, some basic operations. Listen student, relational algebra is used to perform specific operations on existing relation to provide desired results. Relational algebra is a procedural language. A relational algebraic operations can be divided into basic set operations and relational oriented operations such as selection, projection and join, some basic operations. Students, ab isko samajhte hain relational algebraic. देखिए, रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ होता है स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशन में डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए. रिलेशनल अलजेब्रा के प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है. रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस डिवाइडेड हो सकते हैं दो बेस सेट ऑपरेशंस में और रिलेशनल ओरिएंटेड ऑपरेशंस जैसे कि प्रोजेक्शन, सेलेक्शन और
ज्वाइन। समझते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा यूज होता है स्पेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एग्जिस्टिंग रिलेशन में डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा के प्रोसीड्यूल लैंग्वेज है। रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस डिवाइडेड हो सकते हैं दो बेस सेट ऑपरेशंस में और रिलेशनल ओरिएंटेड ऑपरेशंस जैसे कि प्रोजेक्शन, सेलेक्शन और जॉइंट। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, टाइम अब बहुत कम है, आप घर में रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से स्टूडेंट्स तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से हर सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। ओके, बाय।